Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest updates. कि जन्म देने वाली आज मांग रही अधिकार, ये देखकर ही स्तब्ध हूँ। शिक्षिका हूँ, कवियत्री हूँ, लेकिन आज निशब्द हूँ। महिलाएं अपने राजनीतिक संरक्षण की मांग करें, जब महिलाएं अपने राजनीतिक हक की बात करें तो आप उन्हें दरकिनार कर दीजिए। वोट लेना हो तो सिलेंडर दीजिए, राशन दीजिए, चूल्हा चौका दीजिए, कुकर दीजिए, और जब हम कहें कि हमें ये नहीं चाहिए, हमें अपना अधिकार चाहिए, तो हमें लाठीचार्ज कर दीजिए। नमस्कार, मैं हूं अनूप और आप देख रहे हैं मोजो स्टोरी। आज तेलंगाना विधान परिषद की सदस्य के कविता जंतर मंतर पर महिला आरक्षण बिल के लिए भूख हड़ताल पर बैठी है। क्या है महिला आरक्षण बिल? महिला आरक्षण बिल भारतीय राजनीति की वो गले की फांस बन गई है, जो ना तो राजनीति पार्टियों से उगलते बनता है और ना ही इसे निगलते। पिछले कई सालों से कोई भी ऐसा संसद सत्र नहीं रहा होगा जिसमें महिला आरक्षण बिल की बात ना उठी हो। ये संविधान के 85वें संशोधन का विधेयक है। इसके अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटों पर आरक्षण का प्रावधान रखा गया है। इसी 33% में से 1/3 सीटें अनुसूचित जाति और जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित की जानी है। पहली बार इस विधेयक को देव गौड़ा के नेतृत्व वाली लोकसभा में 1996 में पेश किया गया था। तब भी सत्तारूढ़ों की एक मत नहीं बन पाई थी और इस विधेयक की खिलाफत पहली बार शरद यादव ने की थी। आज जंतर मंतर पर कई पार्टियों के नेता यहाँ मंच को साझा करने आए हुए हैं। उनसे बात करके समझते हैं कि क्या है ये बिल और कब तक ये बिल पास होगा और क्या है इनकी राय महिला आरक्षण बिल को लेके। ये बिल पेंडिंग है, राज्यसभा में एक बार पास हुआ, उसके बाद फिर कांग्रेस और बीजेपी इस बिल को झुलाते रहे हैं। अगर कांग्रेस और बीजेपी दोनों चाहते हैं महिला आरक्षण बिल पास हो, टीआरएस भी तैयार है, आम आदमी पार्टी भी तैयार है, टीएमसी भी तैयार है, सारी पॉलिटिकल पार्टीज अगर तैयार है, तो आप मुझे बताइए कि महिला आरक्षण बिल क्यों नहीं पास हो रहा है। इसी सत्र के अंदर प्रधानमंत्री जी इस बिल को लाएं और पास करें, ऐसी हम लोगों की मांग है। लेकिन प्रधानमंत्री जी को अडानी से फुर्सत मिलेगी तब कुछ काम करेंगे। वो सारे देश को अडानी के नाम नीलाम करने में लगे हुए हैं, विपक्ष के नेताओं को जेल भेजने में लगे हुए हैं, उनके पास ना माताओं बहनों के लिए काम करने की फुर्सत है, ना महंगाई पे, ना बेरोजगारी पे, ना इस देश की तरक्की पे। महिला आरक्षण को आप किस तरीके से? मैं ही मानती हूँ कि महिला आरक्षण हमारा हक है, हमारा अधिकार है और महिलाओं को मिलना चाहिए। मैं समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रही हूँ। समाजवादी पार्टी की मांग है कि कोटे के अंदर कोटा हो ताकि ओबीसी, दलित, अल्पसंख्यक महिलाओं को मौका मिले। अगर मैं आपसे समझना चाहूँ कि आरक्षण बिल क्या है तो कैसे समझाएंगे? देखिए, जिस नारी ने पूरी सृष्टि को जन्म दिया है उसका कुछ ना कुछ हिस्सा तो यहाँ पर आरक्षित होना चाहिए। वही आरक्षण हर जगह, हर पार्टी में, केंद्र में, विधानसभा में, हर जगह उसका एक अधिकार है जो सुनिश्चित होना चाहिए। जिस प्रकार हम देखते हैं हर तरीके के जाट आरक्षण या किसी भी, मतलब हम सभी देखते हैं कि जाति के आधार पर भी आरक्षण है हमारे समाज में, लेकिन नारी के लिए क्यों नहीं? नारी ने सबको ये जीवन दिया है, जन्म दिया है, सोचने समझने की क्षमता दी है और न जाने कितनी मजबूरियों और परेशानियों के बाद भी वो पीछे हटना नहीं जानती, वो लगातार आगे बढ़ रही है, तो फिर उसके लिए आरक्षण क्यों ना? 1996 में पहली बार इस आरक्षण के बारे में बात हुई थी, वीर नरसिम्हा राव की सरकार थी, उस टाइम पर शायद शरद यादव ने इसकी खिलाफत की थी। उसके बाद कई दशकों तक कांग्रेस की सरकार रही, फिर भी ये बिल पास नहीं हुआ, इस पे क्या कहना? देखिए, ये तो सोचने का विषय है कि अगर सब चाहते हैं तो क्यों नहीं आरक्षण मिल पा रहा महिलाओं को। कहीं ना कहीं सोच की बात है, जब महिला विरोधी लोग सत्ता में होते हैं तो महिलाओं की आवाज़ को अनसुना किया जाता है। आज मोदी सरकार पूर्ण समर्थन में, पूर्ण बहुमत की सरकार है, वो चाहें तो महिलाओं का आरक्षण ला सकते हैं, तो ये देरी क्यों? क्योंकि ये चाहते ही नहीं कि महिलाओं को आरक्षण मिले, महिलाओं को बल मिले। और कहीं ना कहीं अगर महिलाओं को बल नहीं मिलेगा तो तमाम जो रेप केसेस हो रहे हैं, तमाम इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, कोई भी विचार नहीं करेगा, कोई भी नहीं सोचेगा, क्योंकि जिस पीड़ा को हम लोग समझ सकते हैं शायद कोई नहीं समझ। इस मंच से आज आपने योगी आदित्यनाथ को बहुत
अच्छी तरीके से घेरा, क्या क्या रीजन थे जिसमें महिला की बात बहुत कम कही? योगी जी ने 2010 में जो भाषण दिया था संसद के अंदर, वो छुपा नहीं सुन सकते आप, इन्होंने हिंदुवी में एक लेख लिखा था कि महिलाओं को स्वतंत्रता नहीं संरक्षण की जरूरत है। तो मुझे लगता है कि हम ना आज की ना पहले की किसी भी महिला को अपना निर्णय लेने के लिए किसी के संरक्षण की आवश्यकता नहीं है। हम सक्षम है, जब हम चांद पे जा सकते हैं तो हम अपना निर्णय भी ले सकते हैं। एक आखिरी सवाल मेरा कि 33% आरक्षण की बात है जिसमें लोकसभा और विधानसभा के आरक्षण, तो ऐसे में जो आज भीड़ आई हुई है, जो महिलाओं की बहुत संख्या में भीड़ है, उनका क्या फायदा इस आरक्षण से? क्यों नहीं, अगर 33% आरक्षण मिलेगा तो पता नहीं कौन इनमें से कौन सी महिला किसका प्रतिनिधित्व करेगी, कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी से निकल करके आएगी। तमाम ऐसी महिलाएं जो राजनीति में हैं लेकिन उनको कभी अवसर नहीं मिलता। मैं खुद उत्तर प्रदेश से हूँ, उत्तर प्रदेश में धनबल और बाहुबल की राजनीति किसको नहीं पता है। वहाँ पर एक आम साधारण लड़की का चुनाव लड़ जाना, वो भी लखनऊ जैसी सीट से, ये असंभव था। ऐसा ही लगता है ये बिल जो है सरकार की गले की फांस है, चाहे कोई भी सरकार हो, क्या क्या कारण है तक पास नहीं पा रहा है? ये सोच की बात है, पुरुषवादी और सामंती समाज में महिलाएं ही गले की फांस है। महिलाओं को घर में रहना चाहिए, महिलाओं को काम करना चाहिए, महिलाओं को बच्चे पैदा करने चाहिए, लेकिन जब महिलाएं अपने राजनीतिक संरक्षण की मांग करें, जब महिलाएं अपने राजनीतिक हक की बात करें, तो आप उन्हें दरकिनार कर दीजिए। वोट लेना हो तो सिलेंडर दीजिए, राशन दीजिए, चूल्हा चौका दीजिए, कुकर दीजिए, और जब हम कहें कि हमें ये नहीं चाहिए, हमें अपना अधिकार चाहिए, तो हमें लाठीचार्ज कर दीजिए। ये हो रहा है, देखिए मांगने से तो भीख भी नहीं मिलती, बात तो अधिकारों की है तो हमें छीनना आता है। और हाँ, या तो आरक्षण सबके लिए हो या किसी के लिए ना हो, यदि आरक्षण का एक मुद्दा उठाया गया है तो महिलाओं के लिए भी बिल्कुल मायने रखती है ये बात, और उन्हें भी मिलना ही चाहिए उनका अधिकार। और इस दिन के लिए मैं आपको कहना चाहूँगी कि मैं किसी भी पार्टी से संबंधित नहीं हूँ, एक नारी के रूप में नारी की सहायता यहाँ खड़ी हूँ, और मुझे लगता है कि जब तक हम ऐसे मांगते रहेंगे तब तक हमें अधिकार नहीं मिलेगा, आगे बढ़ना होगा और अधिकार लेना होगा। अगर मैं आपसे समझना चाहूँ कि आरक्षण बिल क्या है तो कैसे समझाएंगे? देखिए, जिस नारी ने पूरी सृष्टि को जन्म दिया है उसका कुछ ना कुछ हिस्सा तो यहाँ पर आरक्षित होना चाहिए। वही आरक्षण हर जगह, हर पार्टी में, केंद्र में, विधानसभा में, हर जगह उसका एक अधिकार है जो सुनिश्चित होना चाहिए। जिस प्रकार हम देखते हैं हर तरीके के जाट आरक्षण या किसी भी, मतलब हम सभी देखते हैं कि जाति के आधार पर भी आरक्षण है हमारे समाज में, लेकिन नारी के लिए क्यों नहीं? नारी ने सबको ये जीवन दिया है, जन्म दिया है, सोचने समझने की क्षमता दी है, और न जाने कितनी मजबूरियों और परेशानियों के बाद भी वो पीछे हटना नहीं जानती, वो लगातार आगे बढ़ रही है, तो फिर उसके लिए आरक्षण क्यों ना? जितना मुझे पता है कि ये 33% महिला आरक्षण की बात के लिए बिल है, तो ऐसे में 33% जो लोकसभा राज्यसभा आरक्षण की बात की गई है, तो इतनी भीड़ में जो महिलाएं आई हुई है, उनका इस बिल से क्या फायदा है? देखिए, हम महिलाएं कभी फायदा देखती ही नहीं, हम केवल साथ देना जानती हैं, और जो फायदे के लिए होता है मुझे लगता है कि वो प्रेम ही नहीं है, वो आवाज़ उठाना ही नहीं है। हमारे हाथ में केवल कर्म करना है, वही हम करती रही हैं। बल्कि मैं आपसे कहना चाहूँगी कि जन्म देने वाली आज मांग रही अधिकार, ये देखकर ही स्तब्ध हो, शिक्षिका हो, कवित्री हो, लेकिन आज निःशब्द हो, आज निःशब्द। It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Vojo Story and support independent, robust journalism.